वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने ग्रामी वकार, आज की ये मजलिस पाक सुल्तानुल औलिया कंदीले समदानी महबूब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कद्दस अल्लाह सिर्रहु शरीफ की बारगाह में खिराज अकीदत के लिए मुनाकिद की गई है। और आज से ठीक एक साल पहले मुम्बरा की सरजमीन पर मैं आपके सामने हाजिर रहा और जलसा भी था गौसे पाक का ही। फिर साल भर के बाद बराबर यही अय्याम थे, जमीन थोड़ी बदली हुई लगती है, लेकिन मिंबर पर मौजूद उलमा भी वही तकरीबन मुझे नजर आते हैं और सामने के चेहरे भी पहचाने नजर आते हैं और जलसा भी वही है। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं तवज्जो के साथ। साल भर गुजर गया मुम्बरा में, मैं खिताब करके आपके पास से रुख्सत हुआ, उस बीच मेरा आना जाना हो ना सका, लेकिन इस एक साल भर की मुद्दत में मुम्बरा वाले में से कोई एक बात भी बता दे, क्या कोई मेरे पिछले बयान से आज बयान करने के बीच का जो साल गुजरा है कोई फसाद हुआ है या कोई कर्फ्यू लग गई है या कोई फितना हो गया है या लोगों में कोई भड़कने वाले मामलात हुए हैं, किसी के पास कोई रिपोर्ट आई है? और अगर नहीं है तो मैं ये बात खास तौर पर डिपार्टमेंट वालों से कह रहा हूं जिनको हमारा नाम ले लेकर के ही इतना डराया गया है कि जलसा होते ही उनके हाथ पैर अलग अंदाज में रखते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि ये मौलवी आएगा अभी भड़काएगा और मुम्बरा में पूरी आग लग जाएगी। मियां साल भर पहले की रिपोर्ट भी आपके पास, साल भर पहले भी इसी जगह से खिताब हुआ और आज फिर खिताब करने आए हैं, उनसे मैं कहता हूं कच्चे कान न रखें, अच्छी रिपोर्ट लिया करें, अच्छी रिपोर्ट लिया करें। हम गौसे आजम के दरबार के कुत्ते हैं, हम फितना व फसाद मचाने या आतंक और दहशत फैलाने नहीं आते। हमको जो बोलना होता है वो खुफिया सुरंगों में नहीं खुले मैदान में बोलते हैं। हमारी कोई खुफिया मीटिंगें नहीं होती, ढकी छुपी प्लानिंग नहीं होती। गौसे पाक के दरबार के कुत्ते हैं, खुले आम बोल रहे हैं, इसलिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे वक्त अपने वक्त के आबकरी आलिम दीन है, लेकिन उनका भी हाल ये था कि वो डंके की चोट पर बोलते थे और लिखते थे और फिर अपनी निस्बत पर ये फख्र भी करते थे कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बगदाद के कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, अरे हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। हम हिंदुस्तान में है, गौसे आजम के दरबार का पहरा दे रहे हैं, लेकिन साहब किसी को तकलीफ है तो मैं उनको एक बात बता दूं, थोड़ी बहुत आवाज हमारी ऊंची होती है इसलिए कि जिस दरबान के हम कुत्ते हैं उस तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा भौंके के नहीं फाड़ खाने की भी ताकत रखते हैं। मेरे अजीजों कुत्ते का काम ही है, वो दरबान के दरवाजे पर होता है और वो निगरानी के लिए है। हमारी जुबानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए रखी गई है, हमारी जुबानें हमारी जिंदगियां अल्लाह के वलियों की हिमायत के लिए रखी गई है, और अगर उनकी हिमायत में ना बोलें तो फिर क्या धोती कुर्ते वालों के लिए बोलेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि स्टेज उधर भी लगते हैं इधर भी लगते हैं, आप चापलूसी किसी और की करते हैं और हम तारीफ किसी और की करते हैं, आप माल के पीछे भागते हैं और फिर आप मौजूदा हुकूमत जो भी मौजूद है
उसके सिक्कों पर और उनके ओहदे पर और उनके मनसब पर देख करके आप बात करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों की आदत यह है, हम बरसों पुराने आबाओ अजदाद से गौसे आजम के ही दरबार उनके ही गुलाम हैं, इसलिए कि हमने ये सुना भी है और पढ़ा भी है। हमारे यहाँ निस्बत पर फखर किया जाता है, और कैसी निस्बत पर? अरे हमारे वक्त का मुजद्दिद जब इस बात पर फखर करता है, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये भी नहीं कहा डायरेक्ट गौसे पाक आपसे डायरेक्ट मुझे निस्बत है, ये नहीं कहा, बल्कि या गौस आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरवाजे से आपके कुत्ते को निस्बत है, और आपके कुत्ते से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। तुझ से दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्या बेहतरीन फार्मूला दिया है, डरने वालों के लिए ही आला हजरत ने कहा है, जो खौफ खाया करते हैं, खौफ न खा, खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग फारसी लफ्ज है और कुत्ते को कहते हैं। कौन सी निशानी वाले सग नहीं मारे जाते? जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ा जाता। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आती है कुत्तों वाली, वो इंजेक्शन मार के जाते हैं या कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं। बहुत कुत्ते अगर आवारा हो गए कंप्लेंट करो कुत्तों को उठा ले जाएंगे, लेकिन उन उठा ले जाने वाले कुत्तों में अगर एक भी बेल्ट वाला आया तो छोड़ देंगे। क्यों? ये पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है किसी का पाला हुआ है, पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है। और आला हजरत फरमाते हैं हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। गौसे पाक का ये निस्बत का पट्टा पड़ा हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है। हमें जाहिर सी बात है आज इसी बात पर फखर भी है। लोग मौलाना साहब कह रहे हैं हक बात कहना इस जमाने में नहीं, हर जमाने में दुश्वार रहा है, हर जमाने में दुश्वार रहा है, लेकिन ऐ नौजवानों अगर तुम्हें अपनी निस्बत पर यकीन है कि मेरा पीर गौसे आजम जैसा है, मेरी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हम धनके की चोट पर बोलते हैं क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने ग्रामी वकार आज सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं वो गौर से सुने। करामात ये औलिया इकराम की जिंदगी का हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें दिया गया। करामत क्या है? ऐसा मुहय्यिरुल अकूल काम, अकल को हैरत में डाल देने वाला काम जो आम इंसान नहीं कर सकता, आम इंसान की अकल में ना आए, अल्लाह के वली से सादिर होने वाला ऐसा कोई काम उसको करामत कहते हैं। लेकिन करामत औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए जरूरी नहीं। औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए करामत नहीं दिखाई जाती, शरीयत पर इस्तिकामत ये विलायत की अलामत है। अगर वो मजबूती के साथ हर जमाने में अपने दीन पर जमा हुआ है वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। आज भी हमारी कौम औलिया को ढूंढने पर लगी हुई है। सुनो, अल्लाह का वली ढूंढना चाहते हो तो ढूंढने के लिए निकलते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, देखते हैं ये ठोकर मार करके सोने का सिक्का निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। औलिया को इन्हीं बातों पर आज भी लोग परखते हैं, सोचते हैं कि अभी बाबा आसमान पर उड़ेंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं, पानी पे चल के दिखाएंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं, मैं यहीं बैठा हूं अचानक मेरे पास पैसों का थैला खोल के दे दें अल्लाह के वली होंगे। यानी तुम एक जगह बैठे रहो, हलवा खिलाने वाले बाबा जिसको तुम समझोगे अल्लाह का वली है। मेरे अजीजो, ये जो चीजें तुम समझ बैठे हो अल्लाह के वली के लिए, ये जरूरी नहीं, बल्कि ये देखो कि वो नबी पाक की शरीयत पर कितना कायम है, मेरे नबी के रास्ते पर कितनी मजबूती से जमा हुआ है। मैं आपको पूछता हूं, सय्यिदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आजम से बढ़कर अल्लाह का वली कौन? अल्लाह का वली कौन है? सारे औलिया इकराम की निस्बत वहां जाकर खत्म होती है।
उस हुसैन आजम को देखे करबला के मैदान में अपने बच्चों की कुर्बानी के सामने भी जमे रहे डटे रहे, करामत का इजहार नहीं किया, शरीयत पर इस्तेकामत लोगों को दिखाया। दुनिया में जैसी भी आफतें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, अगर दीने मुस्तफा पर जमा हुआ है, इस्तेकामत के साथ खड़ा हुआ है, वो उसकी सबसे बड़ी विलायत है, वो सबसे बड़ा वली है। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत पर जमा हुआ है, डटा हुआ है, कायम है। और करामात औलिया इकराम की जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, और इस्तेकामत ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जमे रह जाना किसी बात पर, खौफ ना खाना बातिल ताकतों से, न डरना इन जालिमों से, ये औलिया इकराम की जिंदगी का खास वतीरा है। आज हम सबको जिस चीज की जरूरत है वो करामत की नहीं, इस्तेकामत। करामतें सुनते भी आया, अब करामत से आप ये समझते हैं कि काया पलट जानी चाहिए। लोग आज मजाक भी करते हैं, कुछ वो मॉडर्न ख्याल के डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लेक्चर सुन करके पागल जो हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, वो भौंकते हैं करामात औलिया पर। क्या अब करामात क्यों नहीं दिखाते अल्लाह के औलिया? ये जो हालात बदले हुए हैं, इन हालात में इनकी करामतों से जमीन क्यों नहीं पलट जाती? जालिमों के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? मेरे अजीजों, पूरी दुनिया करामात से नहीं चलाई जाती है। वल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, असबाब पर रखा है। एक मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के हलाकू के जमाने के थे। हलाकू बादशाह जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर डाली और इतने कत्ल कर दिया था जहां से गुजरता था इंसानों की खोपड़ियां। उसका जब बगदाद पर हमला करने का इरादा हुआ तो बगदाद से कई मील दूर उसका लश्कर लेकर वो पड़ाव किया और अपने दो सिपाहियों को बगदाद का मुआयना करने के लिए भेजा। और उसकी दहशत तारी थी सब शहरों में, हलाकू अगर आ गया तो हिलाक हो जाएंगे, इसके फौजी सबको बर्बाद कर डालेंगे। हलाकू का नाम सुनते ही लोगों में दहशत तारी होती थी। तो दो सिपाही, दो फौजी हलाकू के बगदाद मुआयना करने के लिए आए तो लोगों में खलबली मच गई, अब जाएं तो कहां जाएं? तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे, उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी कटोरी पलट दी और कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो दो सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया। कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं, हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया, कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखती है और तुम्हें कैसे नजर नहीं आया? या तो तुम निकम्मे हो या तो फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। कत्ल कर दिया। दूसरे दिन अपने खास दो वजीरों को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, वहां की सड़कें और वहां के महल्लात, वहां की इमारतें देख आओ। ये दो वजीर गए और ढूंढते रहे। जैसे ही वो बगदाद में इंटर हुए, आज फिर लोग हलाकू के इन वजीरों को देखकर दौड़े दौड़े भागते हुए इस अल्लाह के वली के पास आया, हज़रत मोहम्मद जाम। आज फिर रोने लगे, कहा हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, आप बचा लें। आज फिर से उन्होंने कटोरी पलट दी, कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का ये तसर्रुफ है, ये करामात है। वो चाहे तो पूरे लोगों को पोशीदा कर दे जालिमों की नजर से। दूसरे दिन वो वजीर भी ढूंढते रह गए, उनको भी बगदाद नजर नहीं आया। वापस गए बादशाह के, वो बड़े मोतमद लोग थे, कहा कि हम भी गए लेकिन हमको बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन बिल्कुल सही है, हम सामने हैं, चंद मील के फासले पर है, और इनको बगदाद नजर क्यों नहीं आता? तीसरे दिन उसने कहा,
कि अब किसी मुआयने की जरूरत नहीं, कोई जायजा लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाते हैं, फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर के जब तैयार होकर वो बगदाद के सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसके जंग का बिगल बजा और तबाही के आवाजें आने लगी, तो आज लोग फिर दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, कहा आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई। तवज्जो से सुनना मेरे अजीज, आज आप अगर ना बचाएं तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी कटोरी उठा रहे थे, उन्हें गैब से निदा आई, ए मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इनको बचाते रहोगे? इनको मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, ना इन्होंने तोबा किया ना अपने अमाल दुरुस्त किए, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है अल्लाह का, अब इन्हें ना बचाया जाए तो जाहिर सी बात है वो हुक्म इलाही के पाबंद है। उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी, फिर हलाकू दाखिल हुआ बगदाद में और ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे बगदाद की सड़कों में सिर्फ खून ही खून था, तबाह हो बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा डाली। इस वाकये को मैंने पढ़ा उसके बाद ये महसूस हुआ अल्लाह के औलिया इकराम मदद जरूर करते हैं लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मना हो जाए कि ये कौम बड़ी सरकश है अब इनकी मदद ना की जाए, तो फिर ये हाथ उठा लिया करते हैं और इनको हालात पर छोड़ दिया जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन की करामतों पर भौंकने वालों से भी मैं यही कहूंगा, वो चाहे तो पल भर में हालात हमारे बदल दें, चाहे तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और लोगों के लिए ये बात है, नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं, आप इधर उधर भागने की बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें, कहीं मेरे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया। सच बताओ मेरे अजीजों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को ऐसी तौफीक हुई कि रात का अंधेरा छा गया हो और तौबा करने का जज्बा बढ़ गया हो, रात के वक्त बैठ करके रोने लग गया हो। फिलिस्तीन के गजा के उन मुसलमानों की हालत सार को देखकर रूह अगर तड़पती है और तुम अपने अमाल की सेहत और दुरुस्तगी के लिए तौबा कर ले जाते हो, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, फिर तुम्हें किसी करामत के जहूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं हालात पर बाकी रहे तो फिर करामत से भी तुम नहीं बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन्नल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम, कुरान में मेरा मौला फरमाता है बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे।